क्लास टेंथ एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी में हम एक्सरसाइज 15.1 को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4-9 डिस्कस करेंगे। फोर्थ प्रॉब्लम देखिए, सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ऑप्शन दिए हैं 2/3, -1.5, 15% एंड 0.7। तो देखिए, फोर्थ प्रॉब्लम के लिए हम प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, इसको डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? कम से कम इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। और देखिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी इसके बराबर हो सकती है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी जो किसी इवेंट की आती है वो क्या होगी? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसको कि इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, और लेस देन और इक्वल टू 1, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अगर परसेंटेज प्रोबेबिलिटी की बात करें, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ये क्या होती है? ये जो डेफिनेशन है, बेसिकली ये फ्रैक्शनल प्रोबेबिलिटी की है, फ्रैक्शन में प्रोबेबिलिटी आती है। इसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, परसेंटेज में देखिए, अगर प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 0 to 100% परसेंटेज प्रोबेबिलिटी। तो उस हिसाब से देखिए, 0 to 1 के बीच में लाई करेगी। 2/3 हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकती। तो कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव नहीं हो सकती, 15% हो सकती है, क्योंकि 0 to 100% के बीच में लाई करता है। 0.7 हो सकती है, क्योंकि 0 to 1 के बीच में लाई करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा -1.5। अगर यहाँ 2 ऑप्शन होता, 1 से ज़्यादा ऑप्शन होता कोई, तो वो भी पॉसिबल नहीं। फिफ्थ प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे देखिए, प्रोबेबिलिटी दिया है ऑफ एन इवेंट 0.05। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? नॉट ई क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ई की। तो हम देख चुके हैं यहाँ पे कि किसी इवेंट की, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री टू ई, ये होती है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? ये हो जाएगी 1 - 0.05, ये आ जाएगा आपका 0.95। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉब्लम देखिए, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट 1 candy विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, अ लेमन फ्लेवर कैंडी? तो देखिए, इसको हम कैसे करेंगे? पहला पार्ट क्या कहता है? पहले पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडी इज ऑरेंज फ्लेवर्ड। अब जब ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 upon टोटल नंबर ऑफ वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज जो भी हो, मान लिया कि n है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गई बेसिकली, क्योंकि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी के बैग में ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी आ ही नहीं सकती। तो ये हो गई इम्पॉसिबल इवेंट। इसी का सेकेंड पार्ट देखिए, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी? तो यहाँ पे लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये एक श्योर इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, क्योंकि सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। तो ये हो गई सर्टेन इवेंट। नेक्स्ट सेवेंथ प्रॉब्लम देखिए, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स not having same birthday, ये दिया हुआ है। ये कितना दिया है? 0.992। पूछा क्या है? What is the probability that the two students have the same birthday? तो आपको निकालना है probability that the two students have, two students की बात हो रही, same birthday। तो ये वाली event देखिए, ये वाली event यहाँ से not हटा दें तो ये इवेंट बन जाती है। तो ये वाली इवेंट जो है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसको कैसे निकाल सकते? हो जाएगी 1 - 0.992, ये आ जाएगा आपका 0.008। नेक्स्ट एट प्रॉब्लम देखिए, ए बैग कंटेन्स 3 red balls, 5 black balls। एक बैग है जिसमें 3 red balls हैं
प्लस 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ये एक बैग है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज, पहली प्रोबेबिलिटी निकालनी है बॉल ड्रॉन इज रेड, दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, मतलब रेड की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ये, नॉट लगा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे, आप एक बॉल निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, तीन ये हैं, पांच ये हैं, वन 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 तरीके से हर बॉल को निकाल सकते हैं, टोटल क्या हो गया 3+5 मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 हो गए। इसमें से रेड कितनी है, ये 3 है, तो ये हो जाएगी 3 3/8। नॉट रेड के केस में हम क्या निकाल सकते हो, 1 - प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड, तो ये हो जाएगा 1 - 3/8, ये हो जाएगा 5/8। हम डायरेक्टली भी इसको कर सकते थे, नॉट रेड का मतलब क्या होगा, नॉट रेड का मतलब बॉल क्या होगी, ब्लैक होगी, तो कितनी बॉल ब्लैक है, 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5 बाई टोटल नंबर ऑफ वेज 8।